देखिए गाइस आज कितना झमाझम बारिश हो रहा है। अभी हम खाना खा रहे हैं तो दोनों बच्चे इधर भीग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। इतना अच्छा बारिश हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का समय है, आप सभी को मेरा प्रणाम, प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज सुबह ना बहुत ही तेज बारिश, मतलब रात से जो बारिश हो रहा है और सुबह हो चुका है अभी भी, फिर भी बारिश हो रहा है। और आज जो इस साल का बारिश है ना, मतलब बहुत इस साल में, मतलब आज और कल रात में तो बारिश, झमाझम बारिश हो रहा है। तो ये बहुत, मतलब पहला बारिश है जो बहुत तेज हो रहा है इस बार, इस साल का। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। पहले तो देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर में। और हम लोग यहाँ देखिए बालकनी में सारा पानी उधर से आ जाता है, इधर अभी आया नहीं है पर आधा दूर तक आ चुका है। और देखिए बाहर में बहुत तेज बारिश हो रहा है और इतनी तेज बारिश है कि देखिए सारे साइड में पानी भर चुका है। खेत हो गया, रोड, ये सब में, सभी में सारे साइड पानी भर चुके हैं। अब जाके लग रहा है कि बारिश का मौसम आया है और बारिश हो रहा है। और कुछ टाइम बाद काव्यांश की वैन आ गई थी तो मैं छोड़ने के लिए नीचे आ गई हूँ। तो काव्यांश आ रहा है स्कूल और अभी जस्ट ना काव्यांश को वैन के पास छोड़ के आ रही हूँ कि पूरा भीग गई क्योंकि छतरी पकड़े नहीं थे नीचे वैन में, मतलब दरवाजा के पास ही वैन था, फिर इतना तेज बारिश है ना तो बैठाने में ही भीग गई, पूरा बाल भीग गया है। काव्यांश भी स्कूल चला गया, परी भी चली गई है क्योंकि बारिश तो हो रहा है पर अब्सेंट हो जाता है, इस वजह से मैं सोच की भेज देती हूँ स्कूल। बहुत ज़्यादा भी होता ना तो नहीं भेजती, मतलब रुक रुक के आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जा रहा है फिर रुक जा रहा है, कम हो जा रहा है, इस तरीके से तो भेज दी हूँ, अब्सेंट हो जाता ऐसे ही गई। तो ऐसा ही ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा, मिलती हूँ। आने के बाद मैं ना कपड़ा धोने के लिए चली गई थी तो वॉशिंग मशीन में पहले से मैं कपड़ा डाल दी थी धोने के लिए, उसके बाद कंगाल के आके यहाँ पर सुखा रही हूँ। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो मैं अंदर में ही सुखा रही हूँ। डेली का कपड़ा है और बच्चों का ड्रेस वगैरह था तो मैंने सोचा पहले धो लेती हूँ उसके बाद आप सभी से बातें करूँगा। तो अभी मैं सारा काम करके नहा ली हूँ, मैंने सोचा कि आज सारा काम कर लेती हूँ उसके बाद नहा भी लेती हूँ तो ही आप सभी से बातें करूँगी। क्योंकि फिर ऐसे में, मतलब मुझे ना आज बारिश हो रहा था ना तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि लाइट वगैरह गोल हो सकता है और वैसे भी देखिए अभी लाइट है नहीं घर में, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आज सारा काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लाइट वगैरह चला गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने सारा काम कर लिया। और परी भी स्कूल से आ गई है, काव्यांश तो पहले ही आ गया था, है ना जुड़े, काव्यांश पहले आ गया था और अभी परी आ रही है स्कूल से। तो और अभी मैंने भीग गई है, कैसे भीग गई? स्पीड बारिश हो रहा था ना, अच्छा अच्छा ठंडा हो गई, छोटे भी तो भीग गए थे, काफी में ड्रेस हुई। और काव्यांश भी जब आया ना तो भीग गया था क्योंकि कल से जो बारिश हो रहा है ना उसमें, मतलब रुक ही नहीं रहा है पर अच्छा लग रहा है। ऐसे बारिश बहुत दिन से हो नहीं रहा था पर ऐसे बारिश हो रहा है ना तो अच्छा लग रहा है। मौसम भी ठंडा हो गया है, घर, मतलब हमारा रूम, घर जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, पर हमारे स्कूल में सब किचन में बैठ बैठ के खेल रहे थे सब, और हम लोग वहां देख वीडियो बना रहे हैं। हां हां, बहुत ज्यादा परी लोग मस्ती कर रहे थे बारिश में, हां ठंडा लग, क्योंकि वाइट कपड़ा भी तो गंदा भी तो हो जाता ना, और इस लोग सब कर रहे हां। तो परी बोल रही है बहुत मस्ती की है आज बारिश, क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बाद में। मुझे भी भीगने का आज मन कर रहा था पर मैंने सोचा कि चलो आज नहीं भीगती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा काम था इधर उधर, तो इसकी वजह से अब चेंज कर ले। और अभी मैं जस्ट खाना भी चढ़ाई हुई हूँ क्योंकि हमारे आज सुबह चढ़ा हुआ था चावल तो वो ले गए हैं टिफिन और खा के गए हैं। और उसके बाद हम लोग अभी अपने लिए चढ़ाई हूँ मैं, मतलब हम तीनों के लिए, तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद खाना खाएंगे। और इधर खिड़की बंद है इसकी वजह से दिखा नहीं सकती पर मौसम अभी बहुत अच्छा हुआ है। और जो अभी ना खेती नहीं किए है ना शुरू, वो अभी इस बारिश में शुरू कर देंगे, और जिनके पास पानी का सुविधा था वो पहले ही कर दिए होंगे।
क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ना खेती इस बार नहीं होगा लग रहा था, मतलब अकाल पड़ जाएगा ऐसा लग रहा था। पर अभी बारिश हो गया तो उसमें लोग खेती भी कर लेंगे अब, क्योंकि रोपा वगैरह अभी इस बारिश में अच्छे से लग जाएगा। छोटे तू क्या कर रहा है? और काव्य उसका कुछ ना कुछ काम रहा था और यहाँ पे आटा रखा हुआ था, क्या कर रहा है दिखा दी। अब ये देखिए, इसका यही काम रहा था, आटा यहाँ पे रखी हुई थी मैं, जिसमें मैं आटा गूंथ के ऐसे करके वो करती हूँ, उसमें ना ये काव्य सब उसको घोल के रोटी बना रहा है। क्या करेगा उसको, क्या करेगा, बस इसका खेलना रहता। अभी आटा जो है उसको गूंथ रहा है और खेल रहा हूँ, बोल रहा है उसको आटा गूंथ रहा वो। तो ठीक है, अभी खाना खा लेती हूँ, काफ़ी भूख भी लग रहा है, बच्चे भी नहीं खाए हैं, इनको भी दे देती हूँ, खाने के बाद मिलूँगी। तो ऐसे ही ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो में जो नए देख रहे हैं ना जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और लाइट नहीं है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो परवल की सब्ज़ी, सोयाबीन आलू मटर की सब्ज़ी, पापड़, चावल दाल। तो हम लोग खाना खा लिए हैं, उसके बाद अभी जा रही हूँ छत में, काव्यांश को खेलना है, बॉल पकड़ा हुआ है तो बोल रहा है चलो छत में चलते हैं खेलने के लिए। काव्यांश को खेलना है, मुझे तो नहीं, मतलब चलो चलो ऐसा करके बोल रहा है, तो अभी चलते हैं। और छत में तो पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे नहीं खेलो फिर कपड़ा भी गीला हो जाएगा। और पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है, अभी लग रहा है कि बारिश का मौसम है, कल से लग रहा है कि बारिश का मौसम अभी आया है, क्योंकि मतलब उससे पहले तो लग नहीं रहा था, लग रहा था कि अप्रैल का महीना है, पर अभी लग रहा है कि बारिश का मौसम है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पर और उधर पूरा धुंधला धुंधला लग रहा है, फिर से बारिश होगा क्योंकि अंधेला किया हुआ है, पैंट गीला हो जाएगा। और काव्या बॉल खेलने के लिए, तुम नीचे नहीं फिर देखना मत ना, नीचे आवाज़ सुनाई देता है फिर धप धप धप, फिर नीचे में रहते हैं ना तो आवाज़ भी सुनाई देता है, इसकी वजह से बोल रही हूँ। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा नीचे भरा हुआ है हल्का हल्का पानी छत में, हवा भी चल रहा है। हवा चल रही है, अभी थोड़ा सा बारिश रुका है पर लग रहा है फिर से आएगा। तो ठीक है, मिलती हूँ। हैं तो बहुत तेज बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है, बच्चे इधर भीग रहे, चलो इधर आओ छोटे, तो भीग मत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा, आ जाओ। तो दोनों बच्चे इधर भीग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, इतना अच्छा बारिश हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और काव्यांश तो खूब भीग रहा, बहुत मजा कर रहा है, चलते चलो चलो छोटे, तेज बारिश हो गया है स्टार्ट। नहीं नहीं चलो अब चलते हैं, बहुत टाइम के हैं तो बहुत टाइम छत में, अब चलते हैं घर क्योंकि उस समय बारिश नहीं हो रहा था, अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है, अभी तेज हो गया बारिश, चलते हैं घर। ओ सामान पकड़े मैंने, जो भी पकड़े थे मेरे सैंडल को अभी गा दी ना परी। यार हम लोग, मैं भी थोड़ा बहुत भीगी, बाल फिर से भी गीला हो गया, धोई थी फिर से गीला हो गया बाल, बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर में क्योंकि हल्का हल्का बारिश हो रहा था, बहुत तेज भी नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और छोटे काव्यांश तो दो बार हो गया, नहा लिया है फिर भी एक बार फिर से भीग गया, फिर से भीग गया है। हां चेंज करो, जल्दी चेंज कर, तू नहा तो लिया, कितना नहाएगा, गंदा है। नहीं नहीं कहां गंदा है, गंदा साफ पानी में तो नहाए थे अभी, तो मैं ही तो नहा लाई थी, कपड़ा चेंज कर, तबीयत खराब हो, जल्दी चेंज कर, यहां पे निकाल के दूसरा कपड़ा पहना लेगा। और आने के बाद परी ने ना फ्रेंच फ्राइज बना लिया था, देखिए आलू छील के वो तल ली थी और सॉस के साथ ऐसे हम लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ही चलिए, आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।